कुछ ब्लॉग यानी कि यहाँ पे कुछ काम था। इस काम को ख़त्म करने में हम लोगों को थोड़ा टाइम लग गया, यानी कि पहले आइजोल जाने के लिए हम लोगों को पास बनना था, तो इसलिए काम ख़त्म होते वक्त फिर से गो बैक टू होम रवाना हो गया और घर में लगे। देखिए, इस ब्लॉग बनाया हो तो इस ब्लॉग को हम लोगों को क्या मिलेगा जाके, तो चलिए चलते हैं। इसके दौरान मैं जा रहा हूँ अपना बाइक लेके और हेलमेट पहन के सब कुछ रेडी करके, यानी कि ग्लव्स हेलमेट सब कुछ, यूजुअली ऑल थिंग्स सच थिंग्स वी नीड, जो जो चीज़ हम लोग को ज़रूरत पड़ता है सब चीज़। यहाँ से देखिए, देख सकते हैं आप, इसे ऑटो स्टैंड, हम लोग ऑटो स्टैंड पे आ चुके हैं और सीधे हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो ठीक है गाइस, यानी कि यह सब तो सिर्फ मेरे एक्शन कैमरा के लिए हुआ, रोड का व्यू था। और कुछ ही फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया है कि यानी कि ये एक्शन कैमरा, मतलब मेरा कैमरा का पोजीशन मतलब कुछ ठीक नहीं है, ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है, ये तो बाइक के मूविंग की वजह से हो रहा है, ये नॉट ऑन, ये तो ठीक है। फिर भी देखिए, मतलब मेरा कैमरा अच्छे से सेटिंग नहीं हुआ, पोजीशन नहीं ले पा रहा है अच्छे से, तो जब जब जाते हैं थोड़ा डाउन डाउन पोजीशन हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में थोड़ा कमेंट किया था कुछ लोगों ने, यानी तो हालांकि इस हाल में मैं कुछ ठीक कर दूंगा इसको, इसके बारे में तो इसका टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ होता है, क्योंकि इसमें ना ही कुछ म्यूज़िक दिया है ना ही डायरेक्ट सीधा ब्लॉग बनाया हुआ है। तो देखिए, ये नीचे रास्ते जा रहे हैं, बाई एम टी रोड है। हालांकि मैंने सोचा था कुछ मीटर और डायरेक्ट ये नीचे देखने से ऊपर ये कैमरा ऊपर नहीं कैप्चर कर पाते। ठीक है, हम नीचे जा रहे हैं, यानी ये इस ब्लॉक पे कोई आदमी, ज़्यादा आदमी नहीं दिखाई दे रहे, ये सुनसान जगह है, ये जंगल है। आप लोग आने का कभी, अकेला आने का और बिना पास के आने का कभी कोशिश मत करना, क्योंकि ये बहुत ही बहुत डेंजरस जगह है, यानी कि कुछ भी हो सकते हैं। और हम लोग नीचे आ गए हैं, तो ऊपर से नीचे तक आने में बहुत टाइम लग जाता है ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा तो टेरा बेका रास्ता है ना, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम है, सीधा सीधा जाता नहीं है। और ऊपर से देखते हैं हम लोग क्या मिलता है आज, ये देख के मेरा नीचे आ गया, यही प्रॉब्लम है मेरा, क्या करूँ इसके आगे का, इस मीटर लेने के लिए आ गया तो ऊपर के मेरा नीचे आ गया। तो हालांकि इसी प्रॉब्लम के बारे में मेरे दोस्त लोगों ने मुझे कुछ कमेंट किया था, ठीक है। हाँ, तो ये रहा मिजोरम बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर पे हम लोग आ चुका है, तो नीचे से हम लोग अपना काम शाम सब कुछ ख़त्म करके नीचे आ गए। तो गाइस, अभी जा रहे हैं हम लोग सीधे रास्ते की ओर, और वहाँ पे सामने लैलापुर का रास्ता मिलता है और उसके बाद बागा मिलता है। तो इस ब्लॉक का नेशनल ऑफ द 54 ब्लॉक, सो अच्छे से दिख रहे हैं। ये काफ़ी दोस्त ये साथ रेस के साथ जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि जल्दी पहुंचना है, हम लोग को बहुत काम है, यानी कि हालांकि इसका ये बच्चे काम कर रहे हैं। तो ठीक है, अगली बार फिर से नया एकदम दमदार वीडियो लेके आएंगे, यानी कि EDC 8 के साथ। काफ़ी दिनों दिनों के बाद में कुछ ब्लॉग आप लोग कर पाते हो, यानी कि टाइम ही नहीं मिलता आजकल एडिट करने के लिए, क्या हो गया है, यानी कि बहुत टाइम शॉर्ट, लाइफ इज़ टू लॉन्ग एंड वर्क इज टू शॉर्ट, क्या मतलब कुछ कुछ मतलब ठीक नहीं हो रहा है, मतलब लाइफ इज शॉर्ट वर्क इज लॉन्ग ऐसा होना चाहिए, यानी कि देख रास्ता इतना ख़राब है कि आसाम का रास्ता कुछ कंडीशन ही ऐसा है। देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी कितने जाते हैं, मिजोरम की गाड़ी जाता है ऊपर से नीचे तक, इतना रोड का सेल टैक्स में मतलब पैसा तो लेता है लेकिन कुछ काम ढंग से नहीं होता है, क्योंकि ये रोड मतलब सरफेस एकदम फालतू सरफेस है, यानी काश अच्छे से हो पाता तो हमारा रोड एकदम पूरा क्लियरली दिख पाता है, स्पीड भी होता है और गाड़ी भी बहुत होती है। दिस इज द बैकवर्ड स्टेट, यू नो इट्स नॉट एनफ टू डू एनीथिंग, दिस इज ओनली जैसे कि काम चल जाते हैं, काम चल जाने तो ऐसे तो ही हो जाएगा, ऐसे मतलब नॉट यूजली यूजफुल सोच, लोगों का सोच अच्छा नहीं है। चलिए, तो फिर आ गया बागा हम लोग, तो इस यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोग को काफ़ी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे, यानी कि यहाँ पे स्टैंड है और यहाँ पे सामान वामान मार्केट भी होता है, तो इस मार्केट के अंदर हम लोगों को मतलब
काफ़ी स्टेशन मिलता है उधर इधर जाने के, जाने की जगह है बहुत सारा। हवाई टंग खलौर ये सब बहुत, और यानी ऊपर मिजोरम का भी है, बायंटी का भी, यहाँ से गाड़ी मिल जाता है आप लोगों को आने का। यानी कि आप लोगों को बहुत, क्योंकि मिजोरम एक ऐसा जगह है कि दोनों ही रास्ता है उसका मतलब, और ये इस तरफ है मेन रास्ता यानी कि सिलचर का, अब जो सिलचर यानी कि शिलोंग सिलचर से आने का रास्ता सब इस तरफ ही है। इस तरफ आने का मतलब ये नेशनल 54, ये सब आने का मतलब ज़्यादातर सामान इधर से ही आता है, और इधर से ही उसका रास्ता भी ये डेपोर्ट जगह है, यानी कि दो ही रास्ता होते हैं बेसिकली, तो इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है सारी, यानी कि इसी रास्ते, इसीलिए रोड का कंडीशन बहुत ख़राब होता है लोग, और बड़ा बड़ा 10-12 चक्कर गाड़ी लेकर जाते हैं, कंडीशन एकदम पूरा फाइनल ख़राब कर देता है, क्या बताओ। अभी तो जस्ट काम ख़त्म किया हो जा रहा है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा कुछ एजेंट है ऐसा व्यू, और दोस्तों कुछ कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता लोग कमेंट नहीं करने से, मतलब क्या करूँ यार, कमेंट करने से कुछ ढंग सा बना पाता है यानी कि, और एडिटिंग का तो मुझे बहुत चेस। ठीक है, देख सकते हैं ये स्मिथ खेरसा ब्लॉग, स्मिथ खेरसा जो जितना तो ब्लॉग आपने देखा है ये स्मिथ कैसे वही चलाते हैं, यानी कि मैं खुद, ये देखिए इतना गर्मी लग रहा है कि देखिए कैसे खा रहा है साला, जैसे कभी खाया नहीं हुआ ऐसे। देखिए ये कुछ बताना चाह रहा है यहाँ पे, यानी कि इस कैमरा मैन को बारे में, कैमरा मैन अच्छे से ढंग से कैमरा नहीं पकड़ते, उल्टा पलटा करते हैं, यानी कि तब इस टाइम पे मतलब कभी गुस्सा हो जाता है। देखिए खा लिया है, कैमरा मैन को भी खिला दिया है तो थोड़ा, यानी ठीक है ये कुछ बता रहा है, इधर जाओ बता रहा है, उसको सही ढंग से नहीं हो रहा है। ये वहाँ देखते हैं बाइक के साथ, पल्सर 180 बाइक तो बहुत होता है, लेकिन दोस्तों का भी बाइक होता है, खुद का भी बाइक होता है, लेकिन चलाने का मजा कुछ अलग अलग सा होता है, यानी कि फन विद अनदर बाइक एंड अनदर ब्लॉग, यू शुड डू दिस थिंग लाइक विद योर फ्रेंड्स, विद योर फन, विद योर रेस ट्रैक स्टंट, really everything you can only do with your own style and own stay your own. So guys, let's start this bike. Just go 1 2 3. यानी कि कैमरा का पोजीशन, जैसे कि मेरे फ्रेंड लोगों ने बताया था कि कैमरा का पोजीशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो क्या करे भाई, इसका मतलब पूरा पोजीशन मिलना चाहिए ना पहले से, मोटिवेशन नहीं हो रहा है, यानी कि के थोड़ा फेयरिंग की तरफ से और ऊपर की तरफ से मतलब डायरेक्शन थोड़ा उल्टा पल्टा हो रहा है, मतलब किधर से कौन सा बैठना है, या भी ठीक है एक दो वीडियो के लिए तो काम चल जाता है, लेकिन पूरे गाइस ये, और एक बात बता देता है, जो जो मतलब मेरा चैनल पर नया है वो लोग तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से देखिए मुझे मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को दूर दूर से ले जा सकते हो, मतलब आगे मतलब बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा वीडियो होगा, मतलब ये सब ये आप लोग अगर कॉमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं देते, तो कैसे मैं बता समझू कि आप लोग कुछ देख रहे हो और कुछ मेरे चैनल पे इंटरेस्टेड हो, यानी कि देखते हो तो ढंग से दिया करो यार, मैं देखो बहुत कष्ट करके यहाँ पे उतर को नीचे बना कोशिश कर रहा हूँ, तो मतलब आप लोग थोड़ा बताइए, तो ठीक है तो लेट्स गो यार, जाए तो फिर जैसे जैसे भी हो सीधा मैं भी ब्लॉग बनाऊंगा, और ये लोकल एरिया, लोकल एरिया के बाद भी बहुत दूर से जाने का प्लानिंग है, तो नेक्स्ट प्लानिंग जहाँ जाना है वो सब भी हम लोगों को शेयर करूँगा बताऊँगा, ठीक है। और तो गाने के तौर म्यूजिक भी बजना चाहिए, म्यूजिक में माइंड फ्रेश है, 70 79 80 90 30 है यार, 100 के ऊपर उठने से बहुत रिस्की होता है, ये रास्ते का कंडीशन बहुत अच्छा होता है, देख सकते हो इंसान लोग बाहर निकलते हैं क्या, बहुत सारा भीड़ लगा रहता है, क्या तो ऊपर से रास्ता अभी ये तो सिर्फ ब्लॉगिंग में रुकी है, यानी कि स्टंप तो आएगा, यानी कि स्टंप आने में थोड़ा देर होगा, यानी कि अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, यानी कि धीरे धीरे स्टंप का वीडियो आएगा, तो फिर ठीक है, तो इस
तो चलिए पहले के इस वीडियो से रिलेटेड कुछ ब्लॉग यानी कि यहाँ पे कुछ काम था, इस काम को ख़त्म करने में हम लोग को थोड़ा टाइम लग गया, यानी कि पहले आइजल जाने के लिए हम लोग को 5 मिनट, तो इसलिए काम ख़त्म होते वक्त फिर से गो बैक टू होम रवाना हो गया घर में। लिए देखिए इस ब्लॉग को बनाया हो तो इस ब्लॉग को हम लोगों को क्या मिलेगा जाके, तो चलिए चलते हैं। इसके दौरान मैं जा रहा हूँ अपना बाइक लेके और हेलमेट पहन के सब कुछ रेडी करके, यानी कि ग्लव्स हेलमेट सब कुछ, यूजुअली ऑल थिंग्स सच थिंग्स वी नीड, जो जो चीज़ हम लोग को ज़रूरत पड़ता है सब चीज़। यहाँ से देखिए देख सकते हैं आप, इससे ऑटो स्टैंड हम लोग ऑटो स्टैंड कर चुके हैं और सीधे हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो ठीक है गाइस, यानी कि यह सब तो सिर्फ मेरे एक्शन कैमरा के लिए और रोड का व्यू था, और कुछ ही फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया है कि यानी कि ये एक्शन कैमरा मतलब मेरा कैमरा का पोजीशन मतलब कुछ ठीक नहीं है, ऊपर नीचे अप डाउन, ये तो बाइक के मूविंग की वजह से हो रहा है, ये नॉट आउट, ये तो ठीक है। फिर भी देखिए मतलब मेरा कैमरा अच्छे से सेटिंग नहीं हुआ, पोजीशन नहीं ले पा रहा है अच्छे से, तो जब जब जाते हैं थोड़ा डाउन डाउन पोजीशन हो जाते हैं, नहीं थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में थोड़ा कमेंट किया था कुछ लोगों ने, नहीं तो हालांकि इस हाल में मैं कुछ ठीक कर दूंगा इसको, इसके बारे में तो इसका टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ होता है, क्योंकि इसमें ना ही कुछ म्यूज़िक दिया है ना ही डायरेक्ट ब्लॉग बनाया हुआ। देखिए ये नीचे रास्ते जा रहे हैं, बाई एंट्री रोड है, हालांकि मैंने सोचा था कुछ मीटर और डायरेक्ट ये नीचे दिखाने से ऊपर ये कैमरा ऊपर नहीं कैप्चर कर पाते। ठीक है नीचे जा रहे हैं, यानी ये इस ब्लॉक पे कोई आदमी ज़्यादा भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये सुनसान जगह है।